गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस हम दोबारा खेलने जा रहे हैं GTA 5। भाई लोग अभी हम इस बैंक टावर के ऊपर बैठे हैं। भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, अभी आपको स्कोप करके दिखाते हैं। भाई साहब ये देखिए क्या फुल नज़ारा स्पष्ट हुआ हुआ है, आसमान भी बहुत अच्छा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम हेलीकॉप्टर में जा अब मैं आपको बताता हूँ अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी जैसे आपको जानते हो गए, आपने पिछली वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखी तो जल्दी जाके चैनल में जाके देख लें वीडियो। उसमें हमने एक नया बेस खरीदा था, उसमें अभी हम जा रहे हैं। लास्ट टाइम आज हमने बिग माफिया के भाई को छोड़ना नहीं है, उसको ख़त्म करके रख देना है। मल्टी कलर केड़ा है के मल्टी कलर मुझे केड़ा है के वो ना उस वो भी उसको मारना चाह रहा है, कब से उसको ढूंढ रहा है। मैंने कहा हम दोनों मिलके उसको मारते हैं, हम दोनों उसके मिलके मारते हैं। चल लेस्टर ने उसको प्लान बना लिया है, मल्टी करना के हम दोनों उसको मिलके अभी जल्दी चलते हैं अपने नए बेस में। लेस्टर ने मुझे सिर्फ यही कहा था उसका प्लान कह रहा हूँ, मैं आपको तुम्हें उधर जाके सारा प्लान समझाता हूँ। मैं भी उधर जा रहा हूँ, फिर लेस्टर मुझे सारा प्लान समझा देगा। फिर मैं अभी लेस्टर ने मुझे सिर्फ यही कहा तुम बच्चन वालों की एक ड्रेस पहना जो कि रेड कलर की होती है। लेस्टर ने मुझे सिर्फ वो ड्रेस भिजवाई थी, वो मैंने ड्रेस वो ड्रेस मैंने पहन ली थी। जैसे कि आपको पता ही होगा वो ड्रेस मैंने पहनी हुई है आपको, मैं जैसे हेलीकॉप्टर के भाई साहब को पता ही होगा मैंने बस्टर वालों की कैप भी पहनी हुई, सारा कुछ पहना हुआ है। देखिए यहाँ आगे जाके पानी के अंदर हमारा बेस है, उसके अंदर जाना लेस्टर के नाम सारी चीज़ें समझा देगा लेस्टर हमें। मिलिट्री कलर के मैं भी उसको ढूंढ रहा था बिग माफिया के भाई को, अगर हम दोनों का फायदा हो गया। मेरा फ़ायदा पता क्या होगा, मेरा फ़ायदा ये होगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी हम सारों के नाम हो जाएगी, सारी चीज़ें छीन लेंगे हम। अभी लेस्टर के लेस्टर ने नाम लाया, उससे हम सुनेंगे, फिर हम जल्दी चलेंगे उसको ख़त्म करने। हम अकेले ही जाएंगे उसको ख़त्म करने। और कलन का मिलिट्री कलन का फ़ायदा ये होगा कि उसकी पोस्ट ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। भाई साहब ये मिनी गन भी इसमें लगी हुई है, इसको तो हम उधर ही छोड़ आएंगे। भाई साहब मुझे लग रहा है ख़राब होने लगा, कोई बात नहीं छलांग मार देंगे। मुझे लग रहा है इसमें आग लगनी, स्मेल आ रही है थोड़ी थोड़ी, अगर हुआ तो हम छलांग मार देंगे। हमारे पास पैराशूट सारा कुछ है इसमें, इसके अब मैं उसको क्लोड करता हूँ तो आपको नज़र आ गया होगा इधर पैराशूट का ऑप्शन दिखा रहा। अगर क्रैश भी हो सकता है तो हम पैराशूट खोल के सीधे नीचे अपने बेस में जा सकते हैं। बस आज हमने छोड़ना नहीं है उसको, ख़त्म करके रख देंगे उसके बॉडीगार्ड्स को, बिल्कुल ख़त्म करके रख देंगे उसके बॉडीगार्ड। हम मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ, उसको उसने नए बॉडीगार्ड रखे, उसके पुराने बॉडीगार्ड मुझे अच्छी तरह जानते थे मैं कौन हूँ। अब उसने बॉडीगार्ड रखे, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए मैं उस बशर वालों के उस स्प्रे करने वाले से साथ वो शूट पहन के जाऊंगा। उसको पता नहीं चलेगा कौन आया है, बस्टर चला आया है कि माइकल आया है। उसको बिग माफिया के भाई को पता है कि मैं हूँ, उसको मेरी शक्ल अच्छी तरह जानता है वो मेरी शक्ल। भाई साहब उसमें आग लग गई भाई साहब, छलांग मारो। भाई साहब चले चलते हैं पैराशूट खोलते हैं। शुक्रिया पैराशूट था, जैसे कि मैं बताया था मैंने आपको कि हमारे पास पैराशूट था, इसलिए मुझे पहले क्या पता था हमारे पास पैराशूट पड़ा हुआ है। उसको ख़त्म करके रख देंगे बिग माफिया के भाई को, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने अबून के नाम हो जाएगी। भाई साहब बस ये टेंशन है उधर ना गिर जाए हम, चलो कोई बात नहीं इधर गिर जाते हमारा ड्रोन किस टाइम काम आएगा। लाखों रुपये का ड्रोन है, वो हम इस्तेमाल करके सीधा ऊपर अपने बेस में पहुँच जाएंगे। भाई साहब ये मुझे बहुत बेस पसंद आया था, पता है आपको कितना है, $100 million का ये एक बेस है, $100 million का ये बेस है सिर्फ। भाई सब ड्रोन सब ऊपर चलते हैं, फिर लेस्टर का प्लान सुनते हैं, लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है, फिर उसके मुताबिक ही हम करेंगे जो करना है हमने। हम जल्दी चलते हैं लेस्टर का प्लान सुनते हैं क्या कहता है वो, फिर उसी मुताबिक हम करेंगे जो करना है हमने। हम जल्दी आगे चलते हैं। लेस्टर मुझे लग रहा है वो खड़ा है अपनी गाड़ी फ्लाड़ी के पास, जो कि उसको बहुत अच्छी लगती है, उसको कमाल की गाड़ी लगती है, मुझे भी बहुत कमाल की गाड़ी लगती है। लेस्टर कहता है कि तुमने उसको छुआ भी मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा, उंगलियाँ तोड़ दूँगा। इसके फ्राड़ी है बहुत आला फ्राड़ी है, देख सकते हैं आप ये देखें, इसको बहुत पसंद है। अभी लेस्टर से प्लान सुनता हूँ मैं क्या कह रहा है। हाँ लेस्टर क्या कह रहा था, हाँ ठीक है। अच्छा जी अभी लेस्टर मैं आपको सारा
प्लान समझाता हूँ। अभी मैं इस प्लेन के अंदर बैठता हूँ, फिर हम चलते हैं जहाँ पे हमने जाना है। अभी मैं सारा प्लान आपको समझाता हूँ, लेस्टर ने मुझे क्या कहा है। प्लेन के अंदर बैठते हैं, फिर आपको उड़ते उड़ते सारा कुछ समझाता हूँ। ये तो लॉक था भाई, उसका शीशा टूटा नहीं, वैसा बुलेट प्रूफ शीशा है। मैं कल तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन टूटा नहीं, वैसे ही खुल गया। उसने लॉक को मुक्का मारा और इसका लॉक खुल गया भाई साहब। जल्दी अब जो आपको पता ही होगा पिछली वीडियो को, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे बॉडी गार्ड्स क्यों नहीं है। वो सारे बॉडी गार्ड इधर एक मरतबा हमला हो चुका था, उस पूरी गैंग को ही मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि हमारा सीक्रेट बेस है, किसी को भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। हाई लेवल का ऊंचे काम में हम काम करते हैं भाई सब। जल्दी उड़ते हैं, अब आपको उड़ते उड़ते सारा प्लान समझाता हूँ हमने क्या क्या प्लान बनाया है। अब आपको बताता हूँ, अभी लश्चर ने मुझे क्या है, वो जो उसने अभी हमने बस्टर वालों की ड्रेस उसने हमें क्यों पहुँचाई है, बल्कि वो कह रहा उस बिग माफिया के भाई ने उसको स्प्रे करने के लिए अपनी वो याद में बैठा हुआ है, 10 बिलियन डॉलर की याद में बैठा हुआ है वो, जो कि बहुत अच्छी है। मिडली करण कह रहा था मुझे कि लश्चर कह रहा मिडली करण मुझे कह रहा था कि याद भी पूरी तबाह करके आनी है, याद भी जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ तबाह करके आना है, सारा कुछ तबाह कर देंगे वो बस। इस हेलीकॉप्टर में तो बूस्ट है, ये कार्गो है, हेलीकॉप्टर नहीं है वैसे, कार्गो हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर तो बूस्ट भी है बस। फिर मिलिट्री कर्नल ने मुझे कहा था कि सारा कुछ तबाह करके आना है लश्कर के रहा, इसलिए मैं सारा कुछ तबाह सारा कुछ करके आऊँगा। उसके घर में उसको एक VIP बंदा है जो कि अभी कॉफ़ी शॉप में है, कॉफ़ी पीने गया हुआ है। अभी हमने उधर जाके उससे बात, उसको हमने सीधा डायरेक्ट जाके मार के आ जाना है, खलास कर देना उसको मार के, हमें डायरेक्ट इधर आ जाना है, डायरेक्ट हमने उधर से उधर चले जाना है, हमने उसके बिग माफिया के भाई की याच में सीधा हमने डायरेक्ट उधर जाना है। जल्दी जल्दी उसको मारते हैं हम, हमको प्लान समझ आ गया, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। हम उसको मारेंगे, उसकी जगह हम खुद जाएंगे, उनके आदमी तो नहीं है, उनको हमारे बारे में पता नहीं, वो भाई सब क्रैश ना हो जाए बस। थोड़ा थोड़ा हमें चलाना आता है, लेकिन चलाना आता है हमें, ये हेलीकॉप्टर कार्गो हेलीकॉप्टर हमें चलाना आता है भाई साहब, तो बहुत अच्छा है, इसमें बूस्ट भी सारा कुछ लगा हुआ है भाई साहब, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लश्चर का फेवरेट हेलीकॉप्टर, लेकिन मैं ले आया, कोई बात नहीं, क्रैश भी था कोई बात नहीं, हज़ारों हेलीकॉप्टर ऐसे हमारे पास पड़े हुए हैं भाई साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी हम आपको प्लान समझ आ गया होगा, मैंने आपको दो बार प्लान समझा दिया है, क्योंकि आपको मुझे लग रहा समझ, ओ भाई साहब ये पीछे ही रह गया होटल तो, जिसमें वो बैठा हुआ है अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ, सारा कुछ लश्चर ने सारा कुछ हैंडल कर लिया। लश्चर ने मुझे एक मशीन दी हुई है जो कि मैंने अपने कान में लगाई हुई है, एयरफोन दिए हुए जो कि मैंने अपने कान में लगाए, आपको दिखाए नहीं होंगे, हम दिख जाएंगे आपको जब मैं उसको माराऊँगा, बिग माफिया के भाई को माराऊँगा, आपको दिख जाएंगे। मैं उससे पूरा डांपते हूँ, लश्चर से मैं पूरा डांपते में, और मिलिट्री कर्नल से मैं पूरा का पूरा डांपते में हूँ। इधर हम हेलीकॉप्टर कार्गो हेलीकॉप्टर इधर हम लगते हैं, फिर हम उधर चलते हैं, फिर हम उस आदमी को देखते हैं, सप्रेसर पिस्टल से मारेंगे। भाई साहब यहाँ पे नहीं है, भाई साहब यहाँ पे नहीं है, ये तो इस एक गाड़ी पकड़ते हैं हम, वो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। भाई साहब मुझे लग रहा है उसका ही बंदा है, उसका ही बंदा था, शुरू कहना मैंने उसको मार दिया। एक दो बंदे साथ लेके आया हुआ था क्यों, जो कि फ़ोन में लगे हुए थे, अब बंदे जाकर उसको सीधा सप्रेसर वाली गन से ठक ठक करके आ जाती है, चुपचाप से आ जाते हैं, फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा, अपना हाई लेवल रहता है हर किसी का, बस इसको मारना है हमने, बस लश्चर ने यही किया है, हंगामा मचे या कुछ भी मचे, सिर्फ हमें इसको मार के ना बस अभी देखना ले, बस नज़र आ गया मुझे यहाँ से छलांग मार दी, बस उसकी जेनेटर ना भी हमें नज़र आ गई, ये तो अलग ही लेवल का बंदा है, इसका अलग ही स्टाइल, लाइफ स्टाइल इसका अलग है, उधर के बजाय इधर से आया ये तो। भाई साहब सप्रेसर पिस्टल निकालते, मुझे पता है रोला तो मचेगा, सारा देख ली सप्रेसर पिस्टल देख लिया, भाई साहब इसको मारते हैं फिर निकलते हैं, भाई साहब रोला मच गया, भाई साहब इसकी जेनेटर लेके हम दस्ती निकल जाते हैं, रस्ती हम निकल जाते हैं बिग माफिया की याच पे, वो पानी में, आपको पता है याच तो पानी में चलती, कौन सी रोडों में चलती है याच, पानी में चलती है, इसको हम बीच तक लेके चलेंगे, फिर उधर से हम बोट पकड़ेंगे, सीधा निकलेंगे हम अपने मिशन पे, जो हमने मिशन करना है वही करेंगे हम, जरा उसको मार के उसके बॉडी गार्ड्स को मार के डायरेक्ट ही आ जाएंगे, डायरेक्ट ही आ जाएंगे, और उसके पास बहुत पैसा है, आपको पता नहीं बिलियन ले रहा वो
बिलियन क्या ट्रिलियन ईयर है वो तो बहुत, इसका बहुत पैसा है, इसके पास बहुत ज़मीन है, और सारे अपने नाम करवा लेंगे और मिलिट्री कलर को उसकी बॉडी तस्वीर भेज देंगे, वो अपने अपने ऑफिसर को अपना जो प्राइम मिनिस्टर है इसका लॉस सैंटोस का उसको दिखा देगा ये कि ये देखिए मैंने बिग माफिया के भाई को हमने मार दिया, भाई साहब पीछे ही रह गए, तो भाई साहब ड्रिफ्ट चेक करी है अपना अलग ही लेवल है भाई साहब, वो भाई साहब बड़ा ड्रिफ्ट चेक करे क्या लेवल है अपना, भाई साहब बहुत अच्छा ड्रिफ्ट मारी थी अभी हमने, फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाएगा, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके उसकी उसकी जो नौकरी है ना उसको हाई लेवल में और हाई कलर से भी और हाई लेवल में कर देगा, कल्लन के बाद पता नहीं क्या आता है जनरल आता है, जनरल आता है उसको उस लेवल में कर देगा जो कि बहुत बड़ा लेवल है। अभी हमारा दोस्त अभी हमारे साथ मिला हुआ है मिलिट्री करने, अभी हमारे शहर की पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें सावधानी से जाना पड़ेगा। उसके वो लस्टर ने मुझे कह के मैंने उसके उसकी याद के कैमरे हैक किए, वो कह रहा है कि उधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान से जाना, उधर लामलेट होके बिग माफिया का भाई बैठा हुआ है, भाई साहब बहुत कह रहा है बहुत चोर में बैठा है, उसके चोरे सारा कुछ हम निकाल देंगे उधर जाके, उधर जाके याद के अंदर सारा इसके चोरे निकाल देंगे, सारे चोरे इसकी दो जाके निकाल देंगे, जल्दी चलते हैं याच में उसकी सारी चोरे निकाल देंगे, उसको इतना मारेंगे बल्कि उधर इसका दी एंड करके उसकी उसकी याच को पूरा ब्लास्ट करके आ जाएंगे। और मिल्टी कलर को मुझे याद है कि मिल्टी कलर ने मुझे कहा था शायद से लेस्टर के मिल्टी कलर ने कहा था अभी मुझे हाँ मिल्टी कलर मेरे से बात करें, हाँ जी अच्छा उसका उसकी उसकी तस्वीर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है आपको पूरी टोटल तस्वीर आपको भेज दूंगा, मैं टोटल तस्वीर सारा कुछ आपको भेज दूंगा, उसके बॉडीगार्ड को सारा कुछ मारूंगा, फिर तो सारी प्रॉपर्टी अब उनके नाम हो जाएगी, पेपर में लेके आए उससे उसी वक्त साइन करवाएंगे और उसी वक्त उसको खलास कर देंगे, उसको मार देंगे उसी वक्त ही। ये बीच आ चुका है, यहाँ पे ही अच्छा है एक, वहाँ पे हमने जाना है, बस अब थोड़ा दूर है, बस 5-6 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे, बल्कि आने लगा बस 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद बस आने ही लगा है बस। और लस्टर ने कहा कि उसकी याद जो है बहुत लग्जरी है, मुझे लस्टर कहता कि मैंने देखा तो मुझे दिल किया कि मैं ले लूँ वो याद, लेकिन तबाह करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी नहीं हो, बस यहाँ से हमें याद नजर आ चुकी है, आपको भी नजर आ गई होगी पीछे, आप रिवर्स करके देखें आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होनी है, इसलिए पूरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, किसी भी क्लिप को स्किप ना कीजिएगा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, कभी भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब ये देखिए आपको मैं स्कोप करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये उसकी है, मुझे पूरा यकीन है ये 100% उसकी याच है, मैं आपको दिखा दी, उसके बॉडीगार्ड आपको पता ही होगा कैसे हैं। बस यहाँ पे भी स्कोप लगा हुआ, इधर से भी चेक कर लेते हैं कि नहीं है, बस अब पीछे रहेगी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा ही होगा, यहाँ पे एक स्कोप है, इससे चेक करते हैं उधर ये उसकी याच है कि नहीं है याच उसकी, जल्दी चेक करते हैं उसकी याच है कि नहीं है उसकी याच, बस अब 100% बल्कि 200% यकीन हो गया मुझे कि उसकी याच, अभी जल्दी चलते हैं हम उसको ख़त्म करके खलास करके आ जाते हैं, बस अब उसको छोड़ेंगे नहीं, अभी यहाँ पर तो कोई बोट नज़र आ नहीं रही, जल्दी अभी जल्दी से ऑनलाइन हम बोट मंगवा लेते हैं इधर से, बस अब कोई बोट मिल नहीं उधर जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन बोट मंगवा लेते क्योंकि हमारे पास भी बहुत पैसा है, लेकिन बिग माफिया से ज़्यादा पैसा नहीं है, अभी जल्दी ऑनलाइन बोट मंगवा लेते हैं, महंगी नहीं सस्ती बोट मंगवाते हैं क्योंकि हमें उधर तक जाना, उधर ही बोट छोड़ आनी है, बोट को दबा करना, वैसे सारा कुछ दबा करके आ जाना है, बोट कोई और गरीब बंदा लेके उसको बेच देगा, वैसा यार हम गीले भी हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ये हमने ऑनलाइन बोट ऑर्डर कर दी है, हम जल्दी चलते हैं अपने याच ये बिग माफिया की याच पे, सॉरी अपनी बिग माफिया की याच के ऊपर, अब किसी की भी नहीं लगी, सारी तबाह कर दूंगा मैं याच। हाँ भी ये देखिए इधर बंदा खड़ा हुआ है, ये सब बात करता हूँ, अंदर जाने की परमिशन लेता हूँ, फिर अंदर जाके मैं सारी जगह बॉम्ब लगा देता हूँ, उनको पता भी नहीं लगेगा, बस इनसे परमिशन ले लेता हूँ, इधर इससे नहीं लेता, ये तो मुझे कोई पिस्टल गन के बगैर बंदा कोई आम बंदा लग रहा है, लेकिन
कॉस्ट्यूम तो बिग माफिया जैसा पहना हुआ है, बिग माफिया के बंदे जैसा, इस बंदे से बात करना। हाँ जी, बिग माफिया ने मुझे बुलाया था इधर स्प्रे करने के लिए, बस चर्च की तरफ से हूँ, आपको पता ही लग गया होगा। हाँ जी, जिसने मुझे बात कर ली है, इसने मेरे से बात कर ली, कहड़ा आप सारा जगह स्प्रे कर दें, सारा कुछ कर दें आप, अभी हमने स्प्रे नहीं करनी, हमने सिर्फ बॉम्ब लगाने हैं, हमने कुछ और नहीं करना, हमने बॉम्ब लगाने और बिग माफिया के बॉडी गार्ड्स को ख़त्म करना है और चलते भरने ऑनलाइन। अभी वो बोनी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, हमारे पास आ जाएंगे फ़ौरन के फ़ौरन। अब देखते हैं आगे हैं कि नहीं आए, और बस आ चुके हैं बॉम्ब, बॉम्ब तो आ चुके हैं, इधर लगाते हैं और चुप चुप करके लगाना, ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बस अब यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, चुप चुप करके लगाते हैं ताकि इनको पता नहीं लगे, एक एक गैप लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉम्ब तो बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 25 की एवरेज होती है GTA 5 में, 25 बॉम्ब लगा सकते हैं, उसके आगे बॉम्ब नहीं लगा, 25 ने 20 बॉम्ब लगा सकते हैं, 19-20 बॉम्ब लगा सकते हैं, उसके आगे की एवरेज नहीं होती GTA 5 में बॉम्ब की लगाने की। अब इधर भी हम सारे बॉम्ब लगा देते हैं, ओ भाई साहब इधर भी लगाते हैं, अंदर भी सारा कुछ लगा देते हैं, पूरा तबाह कर देंगे हम इसको, पूरा तबाह करके आएंगे, ये साउंड प्रूफ है इसलिए उनको साउंड नहीं आएगा। भाई साहब नहीं नहीं मैं जब इसके बॉडी गार्ड्स आ गए हैं, मैं तो डर गया था इसके बॉडी गार्ड्स को कैसे पता, क्योंकि यार साउंड प्रूफ है, इसके बॉडी गार्ड को आवाज़ कैसे आ गई, और अब गलती से उसके बॉडी गार्ड्स हमें देख लिया, बस अब इसके बॉडी गार्ड्स ने हमें देख लिया, बस इनको छोड़ेंगे नहीं हम, वो बस अब पिस्टल क्यों निकाल ली माइकल, माइकल ये शॉर्ट गन क्यों निकाल ली, शॉर्ट गन से कुछ होना नहीं, बस ऊपर छलांग मारो, हमारे साथ यूज ही निकालते हैं, हमारे छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को, तबाह करके रख देंगे, माइकल आया माइकल, अपने बॉस को जाके बता दो भाई माइकल आया, माइकल गैंगस्टर आया है तुम्हें मारने के लिए, भाई साहब सारों को छोड़ेंगे नहीं हम, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे पास गोली चलाएगा वो इस दुनिया से जाएगा, ऊपर ही जाएगा सीधा, याद के ऊपर नहीं सीधा ही ऊपर जाएगा, वैसे कोई भी हमारे ऊपर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि हमने वहाँ हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने बुलेट प्रूफ, ये जो आप शूट देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ है, पूरा का पूरा बस्टर्स का पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ शूट है ये। इधर भी सारे बंदों को मार दिया बस इधर ने अपने बंदों को मार दिया हमारा, मैं हमारा तो काम आसान हो रहा है, कोई बात नहीं मारने देते हैं इनको अपने बंदों को, इधर तो बिग माफिया की सिक्योरिटी करनी है, ये जो मर्जी करें, इनको पता नहीं आगे बंदे हैं, इनको लग रहा है आगे माइकल है, भाई साहब आगे तुम्हारे बंदे भी अन्य हो, ये मुझे लग रहा है या बहने हैं, बहने नहीं हैं, बल्कि बिग माफिया ने इनको कह दिया होगा कि इधर माइकल आ चुका है जल्दी जाओ उसको ख़त्म कर दो उसको, ओ बस तो फुल चोड़ में होकर बैठा हुआ, उसको छोड़ेंगे नहीं, ओ किधर हो गई, किधर होश में, नशे नुशे में ओ भाई साहब अभी हमने इसको बैठा लिया है, मुझे लग रहा है इसने पी के रखी थी इसलिए अभी हमने इसको बैठा लिया है, सिगरेट पी रहा था मुझे लग रहा था इसलिए इसको होश नहीं थी बिल्कुल भी, और भाई साहब इसको हम इसके पेट में हम गोली मार देते हैं, इसको बेहोश कर देते हैं फिर बेहोश कर देते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या करना, पहले इसके सारे बॉडी गार्ड्स को तो मारूँ, थोड़े बहुत बॉडी गार्ड्स रहते हैं इसके बॉडीगार्ड्स, ओ भाई आ जाओ जिसमें दम है माइकल से लड़ने का, आ जाओ भाई आ जाओ जिसमें भी दम है आ जाओ, अब इसको फिर इधर रखते हैं, उधर रख के कलनर को तस्वीर भेज देते हैं, लश्चर को भेजूंगा उस लश्चर कलनर को तस्वीर भेज देगा, ओ भाई साहब जल्दी चलते हैं, अब सारे को मारते हैं, मुझे लग रहा है सारे मर चुके हैं, हाँ सारे ही मर चुके हैं तकरीबन, नीचे जाकर भी चेक कर लेता हूँ सारे मर चुके हैं कि नहीं मरे, मुझे लग रहा है भाई साहब किसने गोली चलाई मेरे ऊपर किसने गोली चलाई बाबू, छोड़ के रख दें मार के रख दें, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे बाबू रे बाबू, और भाई साहब देसी कट्टा भी अपने पास देसी कट्टा भी है जो कि बहुत आला है, देसी कट्टे को इसे कहते हैं देसी कट्टा स्प्रेसर का देसी कट्टा, अभी स्प्रेसर लगा हुआ जिस स्प्रेसर उतारूँगा इसकी साउंड ऐसा है आप देख के हैरान हो जाएंगे इसके साउंड को, भाई साहब इधर भी बंदे हैं मुझे लग रहा है, नहीं नहीं कोई बंदे नहीं है इधर बिग माफिया के भाई की बॉडी इधर लाते हैं और उसको पूरा मार देते, कलर से पूछ लेते पहले इसको पूरा मार दूँ, भाई साहब ये कौन है इसको भी मार के ख़त्म करते हैं, नीचे फेंक देते हैं इसको, अपने इसको नीचे फेंक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई जल्दी आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जल्दी जाकर लाइक करें, तब तक मैं बिग माफिया की बॉडी इधर लाता हूँ, जल्दी जाके उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी जाकर लाइक करें, इधर हम बोट छोड़ देते हैं ताकि
ताकि ताकि हम इधर से निकल जाएं, बॉम्ब फाड़ के हम इधर से निकल जाएं, हम बॉम्ब फाड़ के बस हम पानी में गिर गए, कोई बात नहीं, कपड़े तो गीले हो ही गए थे और हो जाएंगे तो का हो गया वैसा। अब जल्दी चलते हैं, हमारा ड्रोन किसी काम आएगा, उसको इधर इधर से इधर ले आते हैं। हमारा ड्रोन बहुत हैवी है, आपको पता नहीं, हमारा ड्रोन बहुत हैवी है, इधर रखते हैं इसको। अब इसको मैच करते हैं बस, अब मेरे को बहुत तैर तैर के पता नहीं कहाँ चली गई है बस। अब बस अब एक और बॉडी गार्ड है इसका, इधर इसको भी मारते हैं, उसके पैरों में गोली मारते हैं। मुझे लग रहा है जिंदा ना हो जाए, मतलब ये भी होश में ना आ जाए, इसके पैरों में भी गोली मार देते हैं। कलर को लश्कर को फ़ोन करता हूँ, मैंने मैं सारे बॉडी गार्ड्स मार दिए हैं, बॉम बूम लगे सारा कुछ लगा दिया। अभी लश्कर को बैल जा रही है, लश्कर को कहता हूँ मैंने सारा कुछ लगा दिया है, बॉम वगैरह सारा कुछ लगा दिया, बताओ क्या करना। हेलो लश्कर, हाँ मैं सारा कुछ लगा दिया, ठीक है ठीक है। मैंने बिग माफी को भी बेहोश कर दिया, कलर सब कुछ मार दूँ कि ना मारूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं पूछता हूँ, मार कह रहा है मार दो उसको, मार दो। अब इसका दी एंड होने लगा है भाई साहब, पूरा दी एंड कर दिया है इसका हमने तो। इसको ये भी चला देते हैं भाई साहब, अभी इसको एक रेल गन भी इसके ऊपर मार दी है हमने, और भाई साहब बोर्ड तो तैर तैर के चलेगी, और भाई साहब अब हमें तैर तैर के ही जाना पड़ेगा। और भाई साहब एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, हमने उसकी तस्वीर डाली थी, वापस दोबारा मुड़ना पड़ेगा हमें, हमने उसकी तस्वीर लेके हमने कर्नल को भेजनी थी, हमने उसकी तस्वीर लेके कर्नल को भेजनी थी। अब जल्दी से इसकी तस्वीर लेते हैं, तस्वीर लेते हैं फिर वीडियो का एंड करते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं। अभी जल्दी से इसकी तस्वीर लेते हैं, फिर हम उधर चलते हैं, फिर वीडियो का एंड चेक करते हैं, बीच से पानी से बाहर चलते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं भाई साहब। इसकी तस्वीर खींचते हैं, फिर लश्कर को सेंड कर देते हैं, इसके फुल फोकस से तस्वीर खींचते हैं भाई साहब, सारा कुछ तस्वीर तो खींच गई है इसकी। फिर हम अभी लश्कर को भेज देते हैं भाई साहब, दोबारा एक और खींच लिया मैंने, लश्कर को भेज देते हैं। लश्कर कहते हैं लग तस्वीर आ गई, मल्टी कलर को भेज दे, मल्टी कलर के ये तेरा काम हो चुका है भाई साहब, सारा कुछ कर दिया, तस्वीर तस्वीर मैंने सारा कुछ खींच दिया। अब उसको भेजना, लश्कर को भेजना सिर्फ बाकी है, तस्वीर लश्कर को भी भेज दिया मैंने तस्वीर। अब जल्दी चलते तैर तैर के हमने एंड पे जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से टाइम लगेगा 2 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा, टाइम तो लगेगा नहीं, पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, 2 मिनट से कम ही लगेंगे। अब जल्दी चलते हैं उधर, फिर वीडियो का एंड करते हैं। अभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, और भाई साहब को नजर आ रही होगा कि ऐसे बोट हिल रही है, मैंने अभी बॉन्ड सारे बॉन्ड पड़ी मेरे मुँह से, मैंने गलत बोल दिया था, बॉम्ब सारे ब्लास्ट, मैंने सारे हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, अभी हम सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए हैं। अब जल्दी चलते हैं आगे, फिर हम अपना उधर बीच के अंदर चलते हैं, फिर वीडियो का एंड करते हैं, बस सामने ही है बीच तो बस 1 मिनट लगेगा, उधर चलते हैं तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, जल्दी जाकर लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, इस वीडियो का लाइक है 500 लाइक, जल्दी जाकर आपको पता है आप करवा देंगे। ओके बाय बाय, टाटा।